वैसे तो दुनिया में खूबसूरत जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात अगर हमारे झारखंड की आती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि घूमने के लिए अनगिनत जगह है यहाँ पर, क्योंकि हमारा झारखंड इतना खूबसूरत जो है। कहते हैं प्रकृति ने झारखंड की धरती को बड़े फुर्सत से संवारा है। गिरिडीह स्थित झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की बात करें, या लातेहार की सबसे ऊंची वाटरफॉल लोध वाटरफॉल की, या फिर देवघर की खूबसूरत वादियों में बसा वैद्यनाथ धाम की, इस तरह के सैकड़ों खूबसूरत स्थलों ने झारखंड की धरती को अनुपम भेंट दी है। और यही वजह है कि हर साल यहाँ देश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको ले चलूंगी झारखंड के कुछ ऐसे खूबसूरत जगहों पर, जो अपनी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य को बिखेरते हुए न केवल झारखंड के पर्यटकों को बल्कि भारत के अन्य राज्यों के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली खूबसूरत जगहों के बारे में, जिसकी जानकारी की जरूरत आपको छुट्टियों में ही होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चांडिल डैम सरायकेला जिले में स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित चांडिल डैम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिकनिक के समय यह डैम झारखंड के सबसे ज्यादा देखी गई जगहों में से एक है। बताया जाता है चांडिल डैम के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी गई लिपियां हैं, जो 2000 वर्ष पुरानी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को बोटिंग और डैम के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना काफी बेहतरीन लगता है। जमशेदपुर से चांडिल डैम की दूरी महज 35 किलोमीटर की है, जिसकी वजह से ये जमशेदपुर के लोगों का फेवरेट अट्रैक्शन पॉइंट है। आप यहाँ पर स्पीड बोट का भी बेहतरीन आनंद ले सकते हैं। तिलैया डैम। तिलैया डैम कोडरमा में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत बांध है। इसका निर्माण 1953 में किया गया था। बराकर नदी पर स्थित तिलैया डैम दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया पहला बांध है। यह एरिया हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। बांध के चारों ओर का खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। मोती झरना साहिबगंज जिले में स्थित है। मैं आपको बता दूं, यह झरना झारखंड के मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यह झरना राजमहल नामक पहाड़ियों से तीनों भागों में विभाजित होकर गिरता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर है। वैसे सर्दियों में यहाँ की ब्यूटी देखने लायक होती है। यहाँ की खूबसूरती, ऊंचे पहाड़ और आसपास की हरियाली आपके मन मोह लेने के लिए काफी है। तेनुघाट डैम बोकारो जिले में स्थित है। यह दामोदर नदी के किनारे स्थित एक बहुत ही खूबसूरत डैम है। यहाँ पर लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली जाना पसंद करते हैं। वैसे इस डैम के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, इसके बारे में जितना भी बताया जाए कम ही लगता है। यहाँ हर समय ही हजारों की संख्या में लोग आते हैं। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत एक बहुत ही खूबसूरत धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे जैनियों का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है। माना जाता है यहाँ स्थित कुछ मंदिर 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं। धर्म के अलावा पर्यटन के लिहाज से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है। वैसे ट्रैकिंग में रुचि रखने वालों को तो यह जगह काफी पसंद आएगी। आप यहाँ ट्रैकिंग हाइकिंग का रोमांच भरा अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में और भी बहुत सारे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। और इस वीडियो में कौन सा आपका फेवरेट प्लेस रह गया है, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेफिनेटली मैं उसे पार्ट 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना